धन्यवाद सभापति महोदय। पीएमजीएसवाई ये एक बहुत अच्छी योजना है और मुझे खुशी है इस बात की कि इसका जो अलोकेशन कम होते जा रहा था उसको पिछले 3 वर्षों में बढ़ाया गया है, लेकिन अलोकेशन बढ़ाने के बाद में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और पूरी तरह से खर्चा नहीं हो रहा है। एक बड़ी समस्या ये है कि मेंटेनेंस के लिए कोई प्रोविजन अभी की नहीं गई है और एक जो सर्वे कंडक्ट किया गया था जून 2016 में, उसमें यह बताया गया है कि 8 राज्यों के सर्वेक्षण में यह पता चला कि केवल 3 राज्यों में मेंटेनेंस के लिए प्रोविजन किया गया है और आज तक जो 4,77,842 किलोमीटर जो रोड बने हैं उसमें से 70% रस्ते ये मेंटेनेंस के लिए अगले वर्ष से ड्यू हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि 7,000 करोड़ रुपए की प्रोविजन उसके लिए करनी पड़ेगी सिर्फ मेंटेनेंस के लिए। तो इसमें प्रोविजन बढ़ाना और उसका अच्छी तरह से इंप्लीमेंटेशन करना ये निहायत ही जरूरी है। थैंक यू। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की वो अपने स्थान पर बिल्कुल उचित ही है। जब प्रधानमंत्री सड़क योजना की परिकल्पना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री तो कार्यकाल में की गई थी, उस समय इन सारी चीजों का काफी दीर्घगामी विचार किया गया था और मुझे ध्यान है कि उस दौरान भी मुझे इस योजना से जुड़ने का अवसर मिला और उसी समय इसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो, इसकी गुणवत्ता ठीक प्रकार से हो, इसके मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक प्रकार से हो और इसकी परिणाम ठीक प्रकार से जनहित में आवे, इस बात की चिंता केंद्र उनके प्रश्न का जवाब दे दीजिए, समय कम है, मैं दे रहा हूँ। और इसके साथ ही मेंटेनेंस के लिए भी केंद्र सरकार ने उस समय राज्यों को आग्रह किया था कि वो एक कॉर्पस फंड का निर्माण करें और यह भी सुझाव दिया गया था कि कृषि उपज मंडियों से जो पैसा आता है उसका कोई निश्चित सेस इकट्ठा करके और इस ग्रामीण सड़कों को मेंटेनेंस के लिए वो पैसा रखा जाए। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ राज्य उस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने उस दिशा में अभी ध्यान नहीं दिया है। पिछले दिनों हम लोग सभी राज्य के सचिवों के साथ बैठे थे, उस समय भी हमने आग्रह किया था पीएमजीएसवाई फेज 2 में अपग्रेडेशन पर भारत सरकार निश्चित रूप से ध्यान दे रही है और आने वाले कल में 50,000 किलोमीटर सड़क बनाने वाले हैं, लेकिन मेंटेनेंस की दृष्टि से राज्यों को भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ।